जय नुस्वान मातरम। कल से कई लोगों के मेरे को लगातार डीएम आ रहे हैं कि आखिर ये डक मीम क्या है, ये जो बामी आर्मी ने किया है वो क्या था, बारमी आर्मी क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि बारमी आर्मी एक वो बहुत प्राउड फैन आर्मी है जो कि इंग्लैंड टीम का सपोर्ट करती है क्रिकेट में, और माना जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा मीम भी है। मीम न है। क्यों? क्योंकि ये लोग इंतजार नहीं करते सामने वाली टीम की परफॉर्मेंस देखने का, बस अपनी टीम को देखते हैं और चढ़ बैठते हैं, और जब इनके ऊपर बारी आती है तब इन लोगों के बिल बिलाना शुरू हो जाता है। और कल भी यही हुआ, और कल गलती इनसे ये हो गई कि इन्हें पंगा ले लिया इंडिया से, और उसके बाद जो इनकी बथेरी हुई है, मतलब क्या बताऊंगा आपको, पूरी बात एक एक करके समझते हैं। दरअसल हुआ ये कि विश्व कप में भारत इंग्लैंड के बीच मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, लेकिन एक मुकाबला एक्स पर भी चल रहा था, मतलब कि ट्विटर पर भी चल रहा था। खास बात यह थी कि दोनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम विजयी रही। जी हाँ, इंग्लिश क्रिकेट टीम की फैन आर्मी कहलाने वाली बामी आर्मी ने भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी के दौरान विराट कोहली के डक पर आउट होने के बाद एक ऐसा पोस्ट कर दिया कि इस पर बवाल मच गया। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसक जवाब दे ही रहे थे कि इंग्लैंड की पारी शुरू हो गई, और फिर लगातार दो बड़े खिलाड़ी लगातार डक पर आउट हो गए। इसके बाद भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों ने बामी आर्मी को इतना भयंकर ट्रोल किया, और वो भी ठीक उसी तर्ज पर जैसे कि बामी आर्मी ने विराट कोहली को ट्रोल करने की कोशिश करी थी। बामी आर्मी ने विराट कोहली को किया ट्रोल, तो वैसे मतलब कई लोगों को लगा कि नहीं यार ये तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पहली बार है। बामी आर्मी पहले भी कई बार इंडियन टीम को निशाना बना चुकी है। अब देखिए, अंदर जो वो इनके है, पुरानी जो चीजें हैं शासक वाली, कही तो है नहीं, तो ऐसे में विराट कोहली ने खाता ना खुलकाने पर जब उनको निशाना बनाया गया तब लोगों को पसंद नहीं आया। बामी आर्मी ने विराट कोहली का चेहरा एक बतख के चेहरे के ऊपर लगाकर तस्वीर पोस्ट करी और लिखा कि बस मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूं। बामी आर्मी की हरकत भारतीय प्रशंसकों को पसंद आई नहीं। जब वो रूट और बेनस्टोक जैसे धुरंधर भी शून्य पर आउट हो गए, तो उन्होंने बामी आर्मी और इंग्लिश क्रिकेट टीम को इतना भयंकर ट्रोल किया कि वो बेचारे कुछ जवाब दे ही नहीं पा रहे। कुछ मतलब मैच के हाल की अगर हम बात करें, तो भारतीय टीम ने लखनऊ में इंग्लैंड की टीम को 100 रनों से हराया, और ये 100 रन से हराने वाले स्कोर 350 या 400 का नहीं था, बल्कि 229 रन बनाकर 100 रन से हराया। यहां पर मोहम्मद शमी ने एक के बाद एक चार विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट झटके। भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के बैट्समैन एकदम बेबस दिख रहे थे। इस तरह से अब इंग्लैंड टेबल में सबसे नीचे जा चुकी है, और साथ ही अब वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो सकती है। कुलदीप यादव ने यहां पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट लिए, वहीं रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। बता दें कि लखनऊ में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया था, और भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर शुभमन गिल महज 9 रन बनाकर ही आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली 9वीं गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए, और उनके आउट होने के बाद टीम संभाल नहीं पाई। हालांकि कैप्टन रोहित शर्मा की यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने 87 रन बनाकर एक छोर संभाल के रखा, और केएल राहुल 39 रन उनके साथ मिलकर कुछ अच्छे रन बनाए, और आखिर में सूर्य कुमार यादव ने 49 रन बनाकर टीम को 229 रनों तक पहुंचा दिया, जिसमें कि जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव की बल्लेबाजी का भी योगदान रहा। इन दोनों ने आखिर में करीब 21-22 रन जोड़े। इतने कम रनों के बावजूद भी भारतीय टीम ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खुलने का मौका नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद पर जो रूट को डक पर आउट चलता किया, तो बेन स्टोक्स जैसे ही मतलब एक जो हैवी वेट हम लोग बल्लेबाज कहते हैं ना कि यार ये तो बंदा कुछ बड़े मैच का बंदा है, उसको तो मोहम्मद शमी ने खाता भी नहीं खोला। जिस तरीके से वो पूरा ओवर गया था ना, मोहम्मद शमी और बेन स्टोक्स वाला, बेन स्टोक्स खुद भी बेन स्टोक्स से लाते हुए गया था। डेविड मलान 16, जॉनी बेस्टो जैसे धुरंधर बल्लेबाज 14 रन नहीं बना पाए। कैप्टन जोस बटलर की बात करें तो वो 10 पर आउट हो गए। मोइन अली 15 रन बना पाए। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को मैदान पर जबरदस्त जवाब दिया, और इंटरनेट का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बामी आर्मी अगर आपको नहीं पता तो वो भी जान लीजिए वो क्या है। ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के एक फैंस का ग्रुप है, जिसका कि नाम बर्मी आर्मी रखा गया है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम दुनिया के किसी भी कोने में क्रिकेट खेलने पहुंचती है, तो इस ग्रुप के लोग वहां बड़ी संख्या में उस देश में पहुंच जाते हैं, और मैदान पर जाकर अपनी चहेती इंग्लिश टीम का हौसला बढ़ाते हैं और अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाते हैं। ये ग्रुप पूरी तरह से संगठित है, और ये ग्रुप इंग्लैंड के दौरों के हिसाब से होटलों की बुकिंग, हवाई जहाज की टिकट की बुकिंग से लेकर मैदान की बुकिंग और पार्टियों का आयोजन भी करता है। ये ग्रुप कई बार विरोधी टीम को नीचा दिखाने की कोशिश के चलते विवादों में भी आ चुका है, और इतना ज्यादा नीचा ये लोग दिखा देते हैं कि कई बार इनको खुद भी आलोचना का सामना होना पड़ा। लेकिन सोशल मीडिया, तो देखिए सोशल मीडिया है, आप एक दोगे तो सामने वाले को मौका मिलेगा, तो दोने से चूकेगा। अब यहां पर अगर हम लोग इस ट्वीट की तरफ बात करें, तो ये वो ट्वीट है जो कि बामी आर्मी ने किया था कि जस्ट आउट फॉर मॉर्निंग वॉक, और उसके बाद बामी आर्मी की जैसे ही जो भारत आर्मी है उन्होंने ट्वीट किया कि होप यू आर एंजॉइंग योर वॉक नाउ। यहां पर देखिए डक और स्टोक्स, सॉरी रूट और स्टोक्स यहां पर अब डक बन चुके हैं, क्या बोलेंगे। इसके आगे अगर हम बात करें, जयपुर डायलॉग्स ने बोला कि भैया पहले इन्वेंट करो गेम, दूसरी कॉलोनीज को सिखाओ, फिर उनको चैलेंज करो, उनसे हार जाओ।
कुछ ऐसा ही हाल इस समय इंग्लैंड का है कि जो खेल उन्होंने बनाया है वो उसी खेल में इतने बुरे पड़ते नजर आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि आई लव द ब्रांड ऑफ क्रिकेट प्लेड बाय टीम इंडिया टुडे, इट वॉज अ जॉय टू वॉच देम प्ले लाइक दिस, वेल डन। मतलब लिटरली शिकारियों की तरह खेले थे यार। आफ्टर लूजिंग सिचुएशन एक्सप्लेन बाय इंग्लैंड, मतलब यहाँ पर इंग्लैंड पिट कर आकर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को बता रहा है कि भैया बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड भी कुछ ऐसे ही बाहर गए थे। कृष्णा ने लिखा था कि हेलो बामी आर्मी, नाउ गो फॉर एन इवनिंग वॉक। बामी आर्मी की हालत अब कुछ ऐसी हो चुकी है पानी में पड़े कंकाल की तरह। रोहित शर्मा लिफ्टेड विराट कोहली इन वर्ल्ड कप 2022, पाकिस्तान के मैच के बाद में विराट कोहली लिफ्टेड रोहित शर्मा इन द वर्ल्ड कप 2023, लोगों को बस यही तो अच्छा लगता है। जय हिंद, गो बैक ब्रिटिशर्स। भारत ने लिखा है कि कांट स्टॉप वोंट स्टॉप, रोहित शर्मा टीम इंडिया इज ऑन अ रोल, 6 of 6। लिटरली यहां पर तो जो माहौल बन गया इस समय टीम इंडिया को लेकर वो बिल्कुल अनमैचेबल है और काफी ज्यादा अच्छा भी है। आयुष्मान खुराना लिखा कि व्हेन बेन स्टोक्स एक्चुअली सेड बेन स्टोक्स आफ्टर गेटिंग रैटल्ड बाय शामीज इनकमिंग डिलीवरी, गुस्सा किस बात पे कर रहा था बंदा, खेल तो पानी अच्छड़ के मारे, इसने बैट घुमाया था, फालतू का शॉट मारा था, मतलब उसमें कोई शॉट में खुद ही दम नहीं था। बैकबोन ऑफ इंडियन टीम रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, इट फील सो गुड टू सी देम सेलिब्रेटिंग विकेट्स टुगेदर, द ब्रोमांस नजर ना लगे। रोहित शर्मा वांटेड टू क्रिएट मेमोरीज, ही हैज क्रिएटेड मेमोरीज फॉर एंटायर टीम। लिटरल ये बात कह सकते हैं कि आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तक तो इंडिया ने जैसा खेला है वो वाकई बहुत शानदार है, बहुत शानदार। डिफेंडिंग चैंपियंस की हम बात करें तो इंग्लैंड को इंडिया ने कुछ इस प्रकार से पकड़ के घर से निकाल दिया। तो ऐसे कई सारे मीम्स जो है इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तैर रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि बामी आर्मी ने जो चीज करी, जिस तरीके से उन्होंने अपने फैंस को अपना जज्बा दिखाया, वो लोगों को पसंद नहीं आया। भाई देखिए, अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो फिर आपको उतने ही अच्छे से उस चीज को लेना भी सीखना होगा। अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो फिर आपको मजाक खुद का भी उड़वाने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम इसी चीज में काफी ज्यादा लैग कर जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि बामी आर्मी का सिनेरियो क्या था और क्या वहां पर सीन बन गया था। अब आप मुझे बताइए आपको कल का मैच कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।